नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पिछड़ा नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की हालत फिसड्डी होने के सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बसते नजर आए, जबकि वे बिहार के वित्त मंत्री हैं और बिहार के एनडीए शासनकाल का सालाना बजट 2,18,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ताराबाबू राजकीय स्तरीय किलकारी कार्यक्रम के समापन में उप मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचे हुए थे। किलकारी के 5 दिवसीय बाल उत्सव का समापन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम सहित विजय प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरण किया गया। समापन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बच्चों को पारितोषिक भी दिया। वहीं बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान कथक नृत्य, झिझिया नृत्य सहित कई आकर्षक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा काफ़ी सराहनीय थी और किलकारी के द्वारा बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहीं भागलपुर किलकारी में भवन नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग इसे देख रहा है। काफ़ी हमको आह्लादित किया, काफ़ी अच्छा लगा। हम अपनी शुभकामना देते हैं और भवन नहीं है। नहीं, ठीक है, वो किलकारी का अपना वो एक प्रशासनिक श्रृंखला है, वो किलकारी देख रही है। सरकार हमेशा किलकारी को सहयोग किया है और आगे भी किलकारी को सहयोग करेगी। सर, इससे हट के एक सवाल है सर, थोड़ा सा नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार पिछड़ा बात। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।